मेरा नाम है मीनल और माया डियर में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के लिए सुख समृद्धि और खूब सारी खुशियां लाए, एक नए कल की शुरुआत लाए। जैसे कि लावण्या के लिए एक नई शुरुआत ला रही है ये दिवाली। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से लावण्या ने पायल के दिन में अपने लिए जगह बनाई। वो अपने माता पिता से मिलने के लिए तैयार हो गई। क्या उसके माता पिता कल को भूलकर आज भी उसे अपनाएंगे? लावण्या ने दरवाजा खटखटाया। कौन आहे? अंदर से आवाज आई। लावण्या रोक नहीं पाई और उसकी आंखें भर आई वो आवाज सुनकर। हाँ, वो आवाज उसकी माँ की थी। कैसे सामना करूं मैं? लावण्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। माँ के कदमों की आहट सुन रही थी वो। अरे कौन आहे? फिर आवाज आई। लावण्या कहना चाहती थी, आई अगर मी है, लेकिन जैसे उसके लफ्ज होठों में ही जम गए थे। दरवाजा खुला। लावण्या, तू? अपने हाथों से लावण्या को महसूस कर रही थी उसकी माँ, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो उसकी मौजूदगी का। आई आई एम सॉरी, जाऊ देता सब कहकर उसकी माँ ने गले लगा लिया। दोनों खूब रोए, एक दूसरे के आंसू पोंछे। आंखें तरस गई थी बेटा तुम्हें देखने। तुम्हारी बेटी कहाँ है? बड़ी हो गई होगी ना अब वो। रुको, अभी बुलाती हूँ, लावण्या ने कहा। लावण्या ने श्री को फोन किया और आने के लिए कहा। श्री? श्री कौन है? उसकी माँ ने पूछा। तुम्हारे पति का नाम अमित है ना? आई, मेरा डिवोर्स हो गया। डिवोर्स? क्या? कैसे? लावण्या ने पूरी कहानी बताई। वो लड़का तुम्हारे दादा को कभी पसंद नहीं आया। काश तुमने उनकी बात मान ली होती और नई शादी की होती उस लड़के से। आई, प्लीज जाने दो, मैं नहीं चाहती तुम उसे कुछ भी कहो। अच्छा ठीक है, जैसा तू कहे। पर ये श्री कौन है? लावण्या ने अनिका और पायल की दोस्ती और श्री से मुलाकात का सारा किस्सा बताया। उतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आई, लगता है श्री बच्चियों को लेकर आ गया। लावण्या तुरंत दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही अनिका लावण्या से लिपट गई। आई, कहाँ थी तू? हे अनिका, मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। तुम मिलोगी अपने आजी से? मेरी आजी? हाँ प्रिंसेस, तुम्हारी आजी। वो देखो, जाओ। कहते हुए लावण्या ने श्री की तरफ देखा और दबे स्वर में कहा, थैंक यू। और श्री मुस्कुराया। लावण्या की माँ ने अनिका को देखा और उसकी आंखें भर आई।
अग इधर छोटी चीनू आ है। छोटी चीनू? तुम्हारे आबा तुम्हारी आई को बचपन में चीनू कहते थे। दादा कहाँ है आई? कहीं बाहर गए हैं? नहीं बेटा, वो दवाई लेकर आराम कर रहे हैं। दवाई? क्यों, क्या हुआ? एकदम शांत हो गए हैं वो, किसी से बात नहीं करते। उनका अस्थमा भी बढ़ गया है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम उन्हें छोड़कर जाओगी। खचले गते। कहाँ है दादा, मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ, कहते हुए लावण्य अंदर गई, अपने पिता के पास गई। वो सो रहे थे। घुटनों पर नीचे बैठकर लावण्य ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। दादा, दादा, मियाली। धीरे धीरे उसके पिता ने आंखें खोली। चीनू? चीनू, तू आलिस? हो दादा। भाजी, चीनू आली। मैंने तो सोचा था अब तुम्हें देखे बगैर ही आंखें बंद हो जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप दादा, माफ कर दीजिए मुझे। नहीं नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और कहते कहते उनकी सांस फूलने लगी, बोलना मुश्किल हो गया। दादा, दादा आप शांत हो जाइए, दादा प्लीज। आई, श्री, जल्दी आओ। सब तुरंत अंदर आए। उसकी मां ने अस्थमा का इनहेलर निकाला और उन्हें दिया। लावण्य हड़बड़ाहट में उठी, अपने बैग से चाबी ढूंढने लगी। मैं गाड़ी निकालती हूँ, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। लावण्य के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। श्री बाहर आया। श्री ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है लावण्य, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो। तुम आई दादा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं तुम्हें जल्द ही वहां मिलता हूँ। और अनिका की फिक्र मत करना। भीगी आंखों से लावण्य मुस्कुराई। लावण्य हॉस्पिटल के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज करके अपने पिता के रूम में पहुंची। आई, दादा, कोई चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा, वैसे भी शाम हो गई है, आज रात को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। आज रात को मैं रुकती हूँ, तू घर जाकर आराम कराई। मैं घर जाकर क्या करूँगी लावण्य, मुझे क्या घर पे नींद आने वाली है? अपनी जिम्मेदारी उठाने दो अब मुझे। आई, रुकने दो ना उसे, लावण्य के पिता ने कहा। गर्मा गर्म चर्चा के साथ गर्मा गर्म चाय चलेगी। श्री, आप आ गए? अकेला नहीं आया हूं, साथ में अदरक वाली चाय भी लाया हूं। लावण्य मुस्कुराई। लावण्य को मुस्कुराता देख उसकी मां भी मुस्कुराई। श्री ने थर्मस से चाय निकाली और लावण्य की मां को देते हुए कहा, आज लावण्य को रुकने दीजिए, आप घर जाकर आपकी और दादा की पैकिंग कीजिए अब, क्योंकि कल से आप लावण्य के साथ शिफ्ट हो रहे हैं और ये दिवाली हम सभी की एक्चुअली में हैप्पी दिवाली होगी, तो चलिए दिवाली की तैयारी भी तो करनी है हमें। लावण्य चौंक गई ये सुनकर, क्योंकि इन सब का ख्याल लावण्य के दिमाग में अब तक आया नहीं था। हाँ आई, प्लीज मना मत करना। आई और दादा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, दादा ने कहा। कुछ देर बाद श्री का फोन बजा।
वो सही थी। अन्ना, अनिका थोड़ी परेशान है, लावण्या से बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देता हूँ। लावण्या, एक बार अनिका से बात कर लोगी? लावण्या ने घड़ी देखी, 8:30 बज गए थे। उसने चौंक कर फोन लिया। अरे तू कहाँ है, मुझे तेरी कितनी याद आ रही है, मैं तेरे बिना कैसे सोऊंगी। Hey, my princess, I'm so sorry. बस आज पायल के साथ रुक जाओ बेटा, मैं कल जल्दी आऊंगी, ओके? लावण्या ने अनिका को समझाकर फोन रखा। तभी श्री ने कहा, विजिटिंग आज खत्म होने से पहले मैं आई को घर छोड़कर आता हूँ। थैंक्स अ लॉट श्री, सच पायल आपका इंतजार कर रही होगी, आपको भी घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। लावण्या, मैं वापस आ रहा हूँ। सई ने कहा है वो बच्चियों को संभाल लेगी आज रात। लेकिन श्री, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। लावण्या, हर चीज मैं जरूरत के लिए नहीं करता, आ रहा हूं मैं। लावण्या की माँ ने श्री का आभार मानते हुए कहा कि उन्हें तसल्ली है कि लावण्या अकेली नहीं है। तभी श्री ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए लावण्या की, वो ठीक है। श्री ने वापस आके देखा तो लावण्या के पिता सो गए थे और लावण्या भी वहीं उनके पास कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। श्री ने लावण्या को ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसकी गर्दन सीधी करने की कोशिश की। लावण्या का चेहरा श्री के हाथों में था। श्री खुद को रोक नहीं पाया उसे निहारने से। उसके खूबसूरत चेहरे पर आज एक अलग नूर था। उतने में लावण्या ने आंखें खोली। पहली बार उनकी नजरें कुछ ऐसे मिली जैसे पहले कभी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे श्री की आंखें कह रही हों, काश मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूं। श्री ने लावण्या के चेहरे से बाल हटाए, उसके चेहरे को अपने नजदीक लाया और लावण्या झटके से चेयर से उठ गई। श्री चौंक कर दूर हो गया। ऐसा लगा एक जादू का असर था दोनों पर, जो उस पल टूट गया। क्या लावण्या श्री को पसंद नहीं करती? क्योंकि अब तो ये जाहिर है कि श्री उसे पसंद करने लगा है, प्यार करने लगा है। तो फिर लावण्या ने क्यों जी चुरा लिया? इज्जत तो करती है वो श्री की, पर शायद प्यार नहीं करती। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अनोखे स्टोरी टेलिंग के अंदाज को महसूस कर पाए। फिलहाल रुख्सत लेने से पहले एक रस तो अदा कर दूं, एक शायरी अर्ज करना चाहती हूं, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। चांदनी का नूर कितना ही दूर फैले, चांदनी का नूर कितना ही दूर फैले, लेकिन चांद से जुदा तो नहीं। टूटे दिल के टुकड़े चुभेंगे, लेकिन मान कर मुझे अपना ही सही। चाहे कितनी ही उलझे क्यों ना हो अतीत के साए में दिल की राहें, उन राहों का हम सफर और मंजिल उनसे मुख्तलिफ तो नहीं। उन राहों का हम सफर और मंजिल मुझसे मुख्तलिफ तो नहीं।
छलकती है जब भी वो निगाहें, क्यों उठता है तेज दर्द मेरे सीने में। तब वो दर्द अपना है तो क्यों आंसू आते हैं उनकी निगाहों में। अगर वो दर्द अपना है तो क्यों आंसू आते हैं उनकी निगाहों में। काश आंखों का ये खारा पानी और तुम्हारे दिल का सारा दर्द चुरा लूं। काश आंखों का ये खारा पानी और तुम्हारे दिल का सारा दर्द चुरा लूं। सौगात में एक मुस्कान जो आंखों में डिमडिमाए, सौगात में एक मुस्कान जो आंखों में डिमडिमाए, तुम्हारे होठों पर सजा दूं। आओ मेरी बाहों में तुम सुकून का मतलब समझाओ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।